नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था। याद रखिएगा कि स्वेज नहर जो है ये 1869 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो स्वेज नहर 1869 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था, वन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी एक सीमा कैप्सियन सागर से नहीं लगी है। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान की कैप्सियन सागर से सीमा लगी है, आर्मेनिया के नहीं लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्मेनिया की जो सीमा है ये कैप्सियन सागर से नहीं लगी है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। याद रखिएगा बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी है और नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी एक सीमा कैप्सियन सागर से नहीं लगी है। तो कजाकिस्तान की सीमा लगी है और अजरबैजान की सीमा लगी है, आर्मेनिया की सीमा जो है ये कैप्सियन सागर से नहीं लगी है। चलिए अगला सवाल देखने वाले हैं, तीसरा नंबर सवाल। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। सवाल है दोस्तों तीसरा नंबर कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कील नहर। ठीक है, कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से क्या करती है, मिलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थ्री का। कील नहर क्या करती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। फोर नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अच्छा कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों, कनाडा की राजधानी है ओटावा। याद रखिएगा ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फाइव नंबर सवाल। देखिए फाइव नंबर सवाल आपके सामने क्या है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है। तो याद रखिए कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की यानी खारे पानी की झील कौन सी है। कैप्सियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिएगा कि कैप्सियन सागर क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। याद रखिएगा बैकाल झील क्या है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला सवाल देखते हैं, सिक्स नंबर सवाल। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, याद रखिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, यानी सिक्स का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृत सागर। अगला सवाल देखते हैं, सेवन नंबर सवाल। देखिए सेवन नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो याद रखिएगा बैकाल झील। हम आपको बताए थे कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे अधिक गहरी झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, एट नंबर सवाल। देखिए दोस्तों एट नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है मासिनराम। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय। ये कहाँ पड़ता है, ये भारत में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मासिनराम मेघालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नाइन नंबर सवाल। नाइन नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल कह रहा है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा कि चक्रवात की जो आकृति होती है ये अंडाकार होती है। कैसी होती है, अंडाकार। ठीक है, तो चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, अंडाकार होती है। नेक्स्ट दस नंबर सवाल कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, तो इसका हो जाएगा ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल क्या है, ये रसायन मंडल का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। किस सतह से, आयन मंडल से। यानी कि दीर्घ रेडियो जो है तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, आयन मंडल से। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल
कि वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ये इटली में स्थित है, ठीक है। तो वेसुवियस ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है वेसुवियस ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 13 नंबर सवाल। हम लोग टोटल 50 सवाल करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो 13 नंबर सवाल है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? याद रखिएगा कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कुल 9% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 9%, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? याद रखिएगा कि शांत पेटी जो है किस रेखा के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, ठीक है। तो यह 97%, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है ये 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है? तो 97% भाग जो है, यानी कि पृथ्वी के 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ये आर्गन है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्गन का संकेत AR होता है, ठीक है। अच्छा, अक्रिय गैसें जो संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेनॉन। हीलियम HE है, हीलियम नियोन NE से नियोन, AR से आर्गन, ठीक है, KR क्रिप्टन, RD रेडॉन और XE से ज़ेनॉन, ठीक है। याद रखिएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ये 6 अक्रिय गैस होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो तत्व या फिर 18वां तत्व भी कहा जाता है। तो याद रखिए वायुमंडल से अधिक मात्रा में विद्यमान कौन सा अक्रिय गैस है? ये दोस्तों आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ? तो वायुमंडल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। हीलियम ये अपवाद में पाया जाता है, हीलियम का संकेत HE होता है, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है? आयरन का परमाणु संख्या 18 होता है। अगला है 17 नंबर सवाल कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात यानी ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों नेपाल में। वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8848, कहीं कहीं 8850 किलोमीटर भी, सॉरी मीटर भी दे देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? याद रखिएगा 75%, ठीक है। तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग? तो भूपृष्ठ का 75% भाग ये अवसादी शैलों से ढका है। कौन से शैलों से? अवसादी शैलों से ढका है, ठीक है। अगला है 19 नंबर सवाल कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या है? यह दोस्तों 4 मिनट। याद रखिएगा कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या है? 4 मिनट, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? याद रखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? तो यह है दोस्तों सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। अच्छा, मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। जकार्ता किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। और आसियान का स्थापना हुआ था 1967 को हुआ था। टोटल इसमें 10 देशों की संख्या कितनी है? तो 10 देश थे किसमें? आसियान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बन सकती है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लौह, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, बना है, ठीक है। सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये लौह से बना, यानी कि लोहा से बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अगला है 22 नंबर सवाल। देखिए 22 नंबर सवाल है दोस्तों कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। याद रखिएगा 100 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है। स्थल मंडल का जो विस्तार है ये कितना किलोमीटर की गहराई तक है, तो 100 किलोमीटर गहराई तक है स्थल मंडल का विस्तार। 23 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। ये किया था स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वेस ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। शुक्र को बहन पृथ्वी के तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है, और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है किसको, शुक्र को, ठीक है। चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल के दो उपग्रह है, कौन कौन सा है, फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा मंगल के कितने उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है दोस्तों, तो शनि का है, उसके बाद किसका है, बृहस्पति का, ठीक है। याद रखिएगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है दोस्तों याद रखिएगा गैनीमेड, ठीक है, कौन सा है, गैनीमेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। याद रखिएगा सूर्य, सूर्य क्या है दोस्तों, सूर्य एक तारा है। याद रखिएगा सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। देखिए सूर्य दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। सौरमंडल की खोज किसने की, तो सौरमंडल की खोज किया था कॉपरनिकस ने। किसने किया था, कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं दोस्तों 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल कितने हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं, ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए 8 ग्रह का। अगला है 28 नंबर सवाल कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेनियस, ठीक है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है, तो वारेनियस ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है दोस्तों, वारेनियस ने। अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है कार्ल रीटर को, ठीक है, कार्ल रीटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला है 30 नंबर सवाल कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज को, ठीक है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं दोस्तों 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं इसका एक और ऑप्शन है 98.8 किलोमीटर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्वेज नहर की जो लंबाई है दोस्तों ये 168 किलोमीटर, कितना है, 168 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। ये कब बनकर तैयार हुआ था, 1869 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था स्वेज नहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपके सामने कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप को, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन से महाद्वीप के नाम से, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए महाद्वीप कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7 महाद्वीप होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 33 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है, तो ये है दोस्तों विक्टोरिया। कौन सी झील, तो विक्टोरिया एक झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तंजानिया की राजधानी क्या है, याद रखिएगा डोडोमा, डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, ठीक है, कंपाला जो है दोस्तों ये युगांडा की राजधानी है, याद रखिए। और तंजानिया की राजधानी क्या है, तो डोडोमा। ये क्या करता है, विक्टोरिया जो झील है
ये तंजानिया एवं युगांडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल कि क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों थाईलैंड। कहाँ स्थित है? थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। ये किस देश में स्थित है? थाईलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये जैर एक नदी है। ठीक है, जैर नदी पर स्थित है क्या? तो बोयोमा जलप्रपात। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैर नदी पर स्थित है बोयोमा जलप्रपात। सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे ज़्यादा पानी कौन रखती है? तो ये अमेजन नदी रखती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 36 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा तो ये दोस्तों कैप्सियन सागर। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैप्सियन सागर। बैकाल झील ये सबसे गहरी झील है। बैकाल झील आपको ध्यान देना है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। कैप्सियन सागर ये क्या है दोस्तों? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कैप्सियन सागर। और बैकाल झील ये सबसे गहरी झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। तो ये दोस्तों वॉन झील। ठीक है, वॉन झील जो है ये विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे गहरी झील बैकाल झील, मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। अगला देखते हैं दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये है एंजिल जलप्रपात, याद रखिएगा। एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। यह है सुपीरियर झील। आपको बताया था विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील। ठीक है, याद रखिएगा। और विक्टोरिया झील क्या करता है? आपको बताया था अभी, ये युगांडा और तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है विक्टोरिया झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं दोस्तों 40 नंबर सवाल कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। ये चछू कहलाता है। क्या कहलाता है? चछू। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चछू। अगला देखते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है दोस्तों कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। ये तूफानी मौसम। ठीक है, यानी कि वायु दाब में अचानक कमी आती है यानी कि अचानक नीचे गिरती है, ये तूफानी मौसम का सूचक है। अगला है 42 नंबर कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं। तो ये है आयन मंडल में। ठीक है, संचार जो उपग्रह होता है ये किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? तो आयन मंडल। नेक्स्ट है अगला सवाल देखने वाले हम लोग 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल है दोस्तों कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्थली से हुई है। याद रखिएगा ये टेथिस से हुई है। कहाँ से हुई है? टेथिस। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्थली से हुई है? तो टेथिस सागर से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। ये आपको ध्यान देना है, यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। ये स्थित है इक्वाडोर, याद रखिएगा। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो यह क्षोभ मंडल में होता है। यानी मेघ जो गर्जन होता है, मेघ जो गरजता है, ये वायुमंडल किस परत में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल में होता है। 46 है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों इक्वाडोर, अभी बताए थे। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है, ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कनाडा राजधानी क्या है? ओटावा। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन क्रियांतरित शैल है। तो यह है दोस्तों संगमरमर। याद रखिए कि कौन क्रियांतरित शैल है? संगमरमर जो है ये क्रियांतरित शैल है।
48 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखिएगा जायरे, ठीक है, जायरे देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चीन से गुजरती है, भारत से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायरे से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी टोटल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा भारत से। ठीक है, अगला है 49 नंबर सवाल कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। लोहा का Fe होता है, परमाणु संकेत होता है Fe और परमाणु संख्या 26 होता है लोहा का। क्रोमियम का संकेत Cr होता है, क्रोमियम 24 होता है, परमाणु संख्या क्रोमियम का 24 होता है Cr। ठीक है, याद रखिएगा। पोटेशियम K होता है, ठीक है, कितना होता है परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। 50 नंबर सवाल है और आज का लास्ट सवाल कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो शुक्र ग्रह। यानी यूरोपवासी जो थे किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो शुक्र ग्रह की जो पूजा है ये देवी के रूप में करते थे कौन, यूरोपवासी। ठीक है दोस्तों, तो हमको तो दोस्तों ये टोटल 50 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।